तो आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड का हीरो प्रोडक्ट द क्लासिक 350। इसी के साथ वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारे पास क्लासिक 350 का ये अपडेटेड मॉडल। इसमें आपको मिलेंगे न्यू कलर्स, न्यू फीचर्स। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। एंड अगर आपको भी जानना है क्लासिक 350 में क्या कुछ अपडेट हुआ है, कौन से न्यू कलर्स हैं, क्या नई प्राइजिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से न्यू वेरियंट्स लॉन्च हुए हैं, क्या प्राइस है उनकी एंड कौन कौन से न्यू कलर्स आपको मिलने वाले हैं उन वेरियंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं बेस वेरिएंट से। ये है न्यू मॉडल क्लासिक 350 का बेस वेरिएंट हेरिटेज। इसकी प्राइस है ₹199,500 एक्स शोरूम। इसमें आपको दो कलर्स मिलेंगे, ये है मद्रास रेड, एक मिलेगा जोधपुर ब्लू। उसके अलावा अपर वेरिएंट है इसका हेरिटेज प्रीमियम। उसकी प्राइस है ₹204,000 एक्स शोरूम। उसमें आपको सिंगल कलर ऑफर होगा, मेडेलियन ब्रॉन्ज। थर्ड वेरिएंट आ जाता है सिग्नल्स, उसमें भी आपको सिंगल कलर मिलेगा एंड उसकी प्राइस है ₹216,000 एक्स शोरूम। कलर है कमांडो सैंड। उसके बाद आ जाता है डार्क वेरिएंट, जो कि सबका सबसे पसंदीदा वेरिएंट है, चहीता वेरिएंट है एंड उसमें दोनों कलर्स अभी भी आपको मिलने वाले हैं। तो डार्क वेरिएंट की प्राइस अब हो चुकी है ₹225,000 एक्स शोरूम। दोनों कलर्स हैं गन ग्रे एंड स्टिल्थ ब्लैक। उसके बाद आ जाता है सबसे टॉप वेरिएंट क्रोम। उसकी प्राइस अब हो चुकी है ₹230,000 एक्स शोरूम एंड उसमें आपको सिर्फ सिंगल कलर मिलेगा, एमराल्ड। बट जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको फीचर्स काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं, काफ़ी बेहतर और काफ़ी एडवांस फीचर मिलने वाले हैं। तो उसका जब रिव्यू करेंगे उसकी बात तब करेंगे। अभी हम आ जाते हैं इस मद्रास रेड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अपीयरेंस के बारे में। तो ये कलर फ़ोटोज़ में एंड वीडियोज़ में देखने में काफ़ी डिफरेंट लगता है एंड इतना अपीलिंग नहीं लगता है, बट जब आप इसको नेकेड आइज से देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया कलर है, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है एंड बहुत डिफरेंट है। ना तो बिल्कुल ऐसा फियरी रेड है, ना ही बिल्कुल आपको मरून टाइप मिलेगा। तो ये कलर काफ़ी अच्छा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है न्यू क्लासिक 350 में। एंड उसके अलावा इसकी प्राइजिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो इस प्राइजिंग पर काफ़ी अच्छे हैं, जस्टिफाइड हैं। तो ये थी इसकी अपीयरेंस की बात। अब हम करते हैं इसका क्विक वॉक अराउंड एंड देखते हैं क्या कुछ अपडेट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो सबसे मेजर अपडेट यहाँ पे अब आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है, आरी का लोगो है एंड उसके अलावा LED पायलट लैम्प भी अब आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ पहली बार हुई है कि LED पायलट लैम्प आपको मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में। लाइट भी मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑन हो चुकी है। अभी दिन में इतना सही दिख नहीं रहा है, बट रात में काफ़ी अच्छी लगती है ये। एंड ऑन कर ही लिया है तो इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है। वैसे मैकेनिकल चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं, तो एग्जॉस्ट नोट आपको वही सिमिलर मिलेगा, इंजन सेम है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये है ऑल न्यू LED हेडलैम्प सेटअप एंड उम्मीद करता हूँ मैं कि इसकी लाइट अच्छी मिलेगी हमें रात में। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किए होंगे रॉयल एनफील्ड ने, थोड़ा इसको बेटर करा होगा। तो ये थी इसकी बात। बाकी ये सल्यूट आपको मिल ही जाता है, तो बढ़िया हेरिटेज फील आपको मिलेगा। एक तो कलर भी हेरिटेज है और ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये हेरिटेज को और एड ऑन करते हैं। और ये कलर्स वैसे भी पुराने टाइम पे रॉयल एनफील्ड में आया करते थे, जो कि वापस से रिवाइव हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे भी सब तरफ यही आपको मद्रास रेड कलर मिलता है। उसके अलावा हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं क्रोम फिनिश में, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड काफ़ी अच्छी फिनिश में ये फ्रंट मडगार्ड मिलता है आपको। उसके अलावा कमिंग टू द व्हील, तो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील मिलते हैं एंड क्रोम फिनिश में ये स्पोक व्हील है, तो इससे आपको जो हेरिटेज वाला टच है ना, वो एड ऑन मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। पीछे भी आपको स्पोक व्हील मिल जाते हैं। टायर इसमें आपको ट्यूब मिलते हैं, बस ये एक दिक्कत है, ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन आपको इस वेरियंट में नहीं मिलेगा। सेक्शन है 100/90/19। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, बाइबर के कैलिपर्स हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, इस प्राइस पॉइंट पर आपको डुअल चैनल ABS भी मिल रहा है और ये बढ़िया हेरिटेज कलर भी मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कलर मुझे एक्सपेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला है। तो
ये थी इसकी बात। एंड यहाँ पे सच कोई अपडेट हुआ नहीं है, जैसी आपको सेम मिलता है, डायमेंशंस आपको सेम मिलते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार डायमेंशंस बता देता हूँ। तो इसमें आपको मिलता है 1390 mm का व्हील बेस, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 805 mm की सीट हाइट एंड इसका कर्ब वेट आपको मिलता है 196 kg का। तो ये थी ओवरऑल डायमेंशंस एंड कर्ब वेट की बात, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इंजन सेम है, वही जे सीरीज़ का इंजन है, 350 cc सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 फेज 2 कम्प्लाइंट, वही एग्जॉस्ट है एंड पावर भी सेम है, टॉर्क भी सेम है। पावर है 20 bhp, टॉर्क है 27 Nm, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड ये इंजन इस कलर के साथ सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे डुअल टोन है, यहाँ पे ये सिल्वर क्रोम फिनिश है, क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड ये है इसकी साइड प्रोफाइल, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये ऑल न्यू मद्रास रेड कलर कैसा लगा। अब हम आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक पे, तो यहाँ पे फ्यूल टैंक भी बिल्कुल प्रीमियम मिलने वाला है आपको, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का प्रीमियम लोगो मिल रहा है विद क्राउन। तो ये लोगो आपको पहले मिल रहा था क्रोम वेरिएंट में, बट अब आपको स्टार्टिंग जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको ये लोगो मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे आपको ये टैंक पैड भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ये इस मद्रास रेड कलर के साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। साइड पैनल पे क्लासिक 350 भी बिल्कुल हेरिटेज स्टाइल में लिखा है एंड यहाँ पे ये आपको पिन स्ट्रिप भी मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। ये भी देखिए आपको मद्रास रेड कलर में मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये साइड प्रोफाइल लग रहा है ओवरऑल दिखने में। कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो यहाँ पे भी आपको ये बिल्कुल पतली पिन स्ट्रिप मिलने वाली है और ये जो माइनर डिटेलिंग है ना, इसकी वजह से ही इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्यूल टैंक अभी भी आपको 13 liters कैपेसिटी का मिलने वाला है। क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है, E20 की बैजिंग है, क्योंकि इसमें आपको E20 कम्प्लाइंट इंजन मिलता है। कमिंग टू अनदर अपडेट, वो मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो वही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बट यहाँ पे अब आपको ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलने वाला है, तो ये एक चीज़ एड ऑन हुई है। फ्यूल गेज के जो डंडे हैं वो थोड़े छोटे हो चुके हैं, तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ चुका है, मल्टीपल ट्रिप्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, टाइम मिल जाता है एंड इसको कंट्रोल करने का अभी भी स्विच यहाँ पे मिलता है। एंड एक और अपडेट, अब यहाँ पे आपको ये USB-C टाइप चार्जिंग मिलने वाला है, होपफुली दिख रहा होगा आपको। तो नए ज़माने के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ न्यू फीचर्स आ चुके हैं इस न्यू क्लासिक 350 में। उसके अलावा हैंडल बार सेम है इस वेरिएंट में, क्रोम फिनिश में मिल रहा है। स्विचेस की फिट एंड फिनिश सेम है एंड अच्छे हैं ये स्विचेस, इनको अपडेट करने की ऐसा अभी कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब फिट एंड फिनिश अच्छी है। उसके अलावा क्रोम फिनिश में इसमें आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं वो इस कलर के साथ। कमिंग टू द सीट, तो एक जगह मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, वो है इसका सीट का कलर। तो इसमें आपको ब्राउन सीट मिल रही है एज ए स्टैंडर्ड, बट मुझे लगता है इसमें आपको ब्लैक सीट अगर मिलती ना तो और ज़्यादा बेटर लगता, बट अभी आपके पास ऑप्शन है, आप इस पर ब्लैक सीट कवर लगवा लें, वो सबसे बेस्ट लगेगा। स्प्लिट सीट मिलती है फॉर राइडर एंड फॉर पिलियन ग्रैब करने के लिए, ये मिल जाता है। ट्विन सस्पेंशन सेटअप पीछे मिलता है, पीछे वाला व्हील आपको स्पोक मिलता है, सेक्शन है 120x80 18 इंच का, यहाँ पे आपको स्पोक व्हील मिल रहा है, टायर ट्यूब वाले हैं। उसके अलावा एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है क्रोम फिनिश में एंड पीछे से अपीयरेंस देख लेते हैं एक बार मद्रास रेड का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड पीछे वाली टेल लैम्प अभी भी हेलोजन है, इसे भी मुझे लगता है LED कर देना चाहिए था रॉयल एनफील्ड को, तो लगभग हेडलाइट और टेल लाइट तो LED हो ही जाती, एंड अगर टॉप वेरिएंट में जाते तो उसमें तो सभी चीज़ें LED मिल जाती फिर, तो वो एक बात है। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स है, ये आपको ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड जो कि ब्लैक फिनिश में है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर इसमें मिलता है, सेंटर स्टैंड इसमें मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल इस हेरिटेज वेरिएंट के इस मद्रास रेड कलर का एक क्विक वॉक अराउंड हमने किया है, जो जो अपडेट हुई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। एंड इस कलर की सबसे अच्छी बात है, इसको आप नेकेड आइज से देखेंगे ना तो आपको इसका सबसे बेस्ट वर्जन दिखेगा। आप फोटोज़ में देखेंगे, वीडियोज़ में देखेंगे, इतना मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है आपको मेरी वीडियो में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये कलर, बट आप इसको अगर शोरूम पे जाके देखेंगे, बाहर कहीं रोड पे देखेंगे, तो इसको इसका रोड प्रेजेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो ये था न्यू क्लासिक 350 का एक पहला वीडियो है हमारा, ये अपडेटेड क्लासिक 350 का। अभी काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, न्यू कलर्स जितने भी हैं सबके वीडियो बनाऊँगा। उसके अलावा मैं आपको ऑल वेरिएंट्स ऑल कलर का भी वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा, जब जैसे ही हमारे पास सारे कलर्स आ जाते हैं,
बट आज के लिए हमारे पास ये वाला कलर था जो कि सबसे बेस्ट कलर है मेरे हिसाब से। प्राइस भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।